फ्रेंड तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट का PYQ 11th का है। ये यहाँ पे आपको दिया गया है कि कंपाउंड्स हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ सभी ऑप्शंस को लिख लीजिए। जब आप सभी ऑप्शंस को लिखेंगे तो आप देख लीजिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी में सिर्फ आपके पास क्या है जी, प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन व्हिच वन इज नॉट IUPAC सिस्टम। तो देखिए आप सभी का नोमेनक्लेचर लिखिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या है, नोमेनक्लेचर में सब चीज़ ठीक किया गया, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वो अलग कर दिया गया। तो पहले इथाइल आएगा और बाद में क्या आएगा, मिथाइल आएगा अपने लोकेंड के साथ, तो ये वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, और इसका बोल रहा है कि IUPAC नोमेनक्लेचर लिखिए। तो आप इस कंपाउंड को लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी 3-chlorobutyne-OH। तो देख लीजिए कहाँ पे है ऐसा, तो मिथॉक्सी ये एस्टर ग्रुप है जी, तो एस्टर ग्रुप में मिथॉक्सी नहीं लगता है, एस्टर ग्रुप में लगता है मिथाइल, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल 3-chlorobut-2। ये वाला जो है आपका मिथाइल 3-chloro, ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आप इस तरीके से लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 3-methylcyclohexane, तो 3-methylcyclohexane ये होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको एक एल्केनॉल का क्या करना है जी, होमोलोगस सीरीज जो है उसका कॉमन जनरल फार्मूला लिखना है। तो देखिए इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 oxygen, तो देख लीजिए आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, और इस कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो ये कंपाउंड को लिख लीजिए और इसका नोमेनक्लेचर करिएगा, तो ये आएगा 2,3-dimethylpentanoylchloride, 2,3-dimethylpentanoylchloride, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये कंपाउंड दे दिया गया है और इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पूछा जा रहा है, तो आप इसका नंबरिंग कर लीजिए, नोमेनक्लेचर नहीं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो 1 का sp है, 3 का sp3 और 5 का sp2, तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको ये कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप इस कंपाउंड्स को लिख लीजिए और लिखने के बाद आप क्या कर लीजिए कि इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कर लीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट वन इन, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 1-butyne-3-ion, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1-butyne, ठीक है, और 3-ion, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जब भी नंबर लोकेंट लिखते हैं और नाम लिखते हैं तो उनके बीच में हाइफन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है और इसका आपसे पूछा जा रहा है नोमेनक्लेचर, तो सिंपल आप ले लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, इसका नंबरिंग कर लीजिए, तो आपके पास आएगा Pent-3-in-1-ion, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है, आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके पास होगा 4-ethyl-3-propyl-hex-1-ion, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा।